नमस्कार, अब खबर है झज्जर से। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने गुरुवार को जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवादों की सुनवाई की। लघु सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में आयोजित बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री ने बैठक के एजेंडे में शामिल 16 परिवारों की सुनवाई करते हुए आधे से अधिक मामलों का निपटारा भी किया और लंबित परिवारों के लिए समय सीमा निर्धारित संबंधी अधिकारियों से भी बैठक रिपोर्ट तलब की। साथ ही एजेंडे में शामिल परिवादों की सुनवाई के उपरांत उन्होंने व्यक्तिगत व सामाजिक समस्या लेकर पहुंचे लोगों के मामलों को भी सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक समाधान के निर्देशन भी दिए। उपयुक्त सोनल गोयल ने लोक निर्माण मंत्री का बैठक में पहुँचने पर स्वागत भी किया। राम नरवीर सिंह ने गांव अच्छेज के ग्राम पंचायत की ओर से बीपीएल परिवारों को मिले आवासीय प्लाटों तक बिजली की सुविधा नहीं होने से संबंधित परिवार की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि जिला में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना व अन्य योजना के तहत गरीब परिवारों को मिले आवासीय प्लाट तक बिजली की उपलब्धता सूचित तैयार करते तथा वहाँ पर तत्काल बिजली पहुँचाई जाए। गाँव गोरिये के ग्रामीणों की ओर से झाड़ली पावर प्लांट के पानी से खराब हुई फसलों की गिरदावरी को लेकर बढ़ती की लापरवाही के लिए संबंधित पटवारी व तहसीलदार से जवाब तलब करने के आदेश भी दिए। झज्जर से सुमित थारण की स्पेशल रिपोर्ट।